चावल और दाल की इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चावल। आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं। ये एक बड़ा गिलास चावल है और उसी का आधा गिलास हमने उड़द की दाल ली है, साथ में एक मेथी का दाना लिया है। इसे सबको हम अच्छे से धो लेंगे अलग अलग। अलग अलग धोने के बाद इसे बिल्कुल साफ पानी से कम से कम 5 से 6 बार धोने के बाद हमने 4 घंटे इसको भिगो लिया है। भिगोने के बाद देख सकते हैं आप ये दाल हमारी कितनी आगे से फूल चुकी है। तो ये चावल भी देखिए आगे से फूल चुके हैं। तो इसे हम थोड़ा सा हाथ से तोड़ लेंगे और अच्छी तरह से इसका पानी निकालने के बाद सबसे पहले हम दाल को पीस लेंगे मिक्सर जाल में। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हो गया है दाल का। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में हम साथ में चावल पीस लेंगे। एक बाउल में निकाल लेते हैं और उसके बाद हम चावल को भी ले लेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। चावल को थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। बाउल में निकालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे को। दाल और चावल का पेस्ट जो है हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद रात भर के लिए इसे हम छोड़ देंगे। कम से कम 24 घंटे तो लग ही जाते हैं इडली का बैटर सेट होने में। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल सेट हो चुका है। तो मैंने इडली के सांचे में ऑयल लगा चुकी हूँ, तो इसको हम इसमें 1-1 चम्मच करके बैटर डाल देंगे। ज़्यादा ना डालें, बाल बिल्कुल बाहर निकल आएगा। तो इसे 5 से 7 मिनट हमें स्टीम करना है। और ये देखिए हमारा बिल्कुल साफ निकल के बाहर आया। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी इडली निकल रही है बाहर, बिल्कुल ये बन के तैयार है। तो सांभर की रेसिपी भी आपको मैं जल्द से जल्द दे दूँगी। तो आप इडली को फ्राई करके खाएं, मसाला फ्राई भी कर सकते हैं और इसे हम सांभर के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।